हेलो जी, ये हूँ मैं। मेरा नाम है स्पर्श और मैं जा रहा हूँ नैनीताल अपने बड़े ही ख़ास दोस्त के साथ। इसका नाम है गोलू। अब भाई गोलू गोलू क्यों है ये आपको वीडियो देख के मालूम पड़ेगा, तो ऐसा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मतलब ये ट्रिप मैंने बनाया, तूने नहीं बनाया, क्योंकि तू बिकॉज आई एम वंडरलस्ट। तो भाई हम निकल पड़े अपनी जर्नी की ओर, ठीक है। और सीन अभी ऐसा है, हमारी कैब आगे खड़ी है, भाई जा रहा है। अब हम आपसे मिलेंगे गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे, बाय। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? देखा अभी आपने, बहुत बड़े ब्लॉगर जा रहे हैं हमारे साथ। कहाँ जा रहे हैं आप? एक्चुअली हम नैनीताल जा रहे हैं। हाँ, क्यों जा रहे हैं आप? जा रहे हैं क्योंकि प्लान अचानक से बन गया एकदम। अच्छा 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 अच्छा। ऐसा ये इसलिए कि ठंड ज़्यादा है। अभी हम अपने स्टेशन पे बैठे हैं, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन। भाई साहब, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन बड़ा सही बना दिया है, एस्केलेटर वगैरह ये सब कुछ। अभी फ़िलहाल हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ट्रेन आ जाए, दो मिनट रुकेगी, तो इसलिए हमें बहुत तेज़ी दिखानी पड़ेगी चढ़ने में। हमें जल्दी जल्दी जाना है। भट्टी उठ जाओ, टाइम हो गया। ये लाश की तरह क्यों पड़े हो आप? तो कह रहे थे ठंड नहीं लगती आपको, तो ठंड करने लग रही है। हेलो जी, फ्रॉम लाल कुआं। इसके बाद हमारा स्टॉप है जहाँ हमें ट्रेन को डिबोर्ड करना है। इंग्लिश 4:30 होने वाला है और वहाँ पे हम उतरेंगे और वहाँ से फिर हम जाएंगे नैनीताल दिन में, क्योंकि हमारे जो भट्ट जी हैं यानी हमारे गोलू, उनकी मौसी जी रहती हैं। हेलो जी, फ्रॉम हल्द्वानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हल्द्वानी में। और नहीं, आपसे नहीं कह रहे। टाइम हो रहा है 4:45 और हवा धुआं छूट रहा है मुंह से, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर 7-8 डिग्री। और मीट हमारे बेस्ट ब्लॉगर ऑफ इंडिया गोलू। हाँ ले आया, तुझे कर रहा था लकी। बुला किसी को अंदर से, तो लकी लकी बोलते रहे। लकी 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 भाई, सॉरी। हेलो जी, सो 11:30 इन द मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लगभग आफ्टरनून होने वाली है। और भैया, आप जिस ट्रिप पे जो समय तय करो कि 8 बजे निकल जाना और फिर वो 2-3 घंटा लेट ना हो, तो फिर वो ट्रिप क्या हुई है कि नहीं? जैसे सामान पैक कर लेते हैं, कुछ खाते हैं और फिर हमें जाना है नैनीताल। नैनीताल हम जाने वाले हैं स्कूटी पे। तो सर जी, सवारी तैयार है निकलने के लिए। समय हो रहा है 12:15 और इतनी खूबसूरत जगह से हम एक और खूबसूरत जगह की ओर जा रहे हैं। ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं चाहता हूँ कि हम निकलें। ओके जी, तो हम नैनीताल के जाने वाले रास्ते पे हैं और व्यू आप देख ही सकते हैं, मतलब चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो रहा है, आसमान की ऊंचाइयों में आ रहे और मज़ा ही अलग लेवल का आ रहा है। और हमारे लड़के ने 10,000 का रेवैन का चश्मा निकाल लिया, जो कि वो मांग के लाया किसी से। नीचे उधर रोड है, बस उसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा भाई। कुछ ऐसा लग रहा है सच सी नज़र होती हरी वाली बात, कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी बहुत ज़्यादा। बहुत बड़ा बड़ा प्यारा सफ़र है, मज़े आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी धुआं निकल रहा है, अभी ये तो अभी सिर्फ ट्रीजर है, अभी पिक्चर तो नैनीताल में जाके देखेंगे। ट्रीजर है क्या? क्या ट्रेलर? ट्रेलर गुरु कवारे हो दारू बदनाम करती, नाम करती ए तनातिया देकार।
भाई ऐसा है, भटजी का भुट्टा ढूंढ रहे थे हम जाते जाते, अब भटजी का भुट्टा नहीं मिल रहा तो हमारे जो भटजी उनको भूख लगाई है, तो हमारे भटजी कुछ भोजन करेंगे फिर हम आगे प्रस्थान करेंगे। स्वागत है आपका हमारा नैनीताल में। नैनीताल में घुसते ही हमने एक धर्मशाला बुक कर ली है, 100 रुपये इसका किराया है। रूम में भी आपको दिखाता हूँ, उससे पहले यहाँ से व्यू भी अच्छा है। व्यू वही है जो दिखता आ रहा है, बट ऊपर ऊपर होता जा रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी हमने जाना है घूमने, पहले आपको व्यू दिखा देते हैं, फिर आपको रूम दिखा देते हैं, उसके बाद हम घूमने जाते हैं। इतना दिखा ना वाइट वाइट आपके सारे के सारे बादल, इधर कैमरे के पीछे आपका भाई है। ये सिंपल सा रूम है, यहाँ आपको बेड मिल जाता है, गद्दे वद्दे मिल और रसाई मिल जाती है, इधर छोटा सा सामान रखने का बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। चार्जिंग पॉइंट एक है, वो भी है सब। तो ये है आपके लिए 100 रुपये का रूम। तो अभी हम जा रहे हैं भैया बोटिंग के लिए, और बड़ा सुंदर है नैनीताल, है कि नहीं। जी तो ऐसा है, आ गए मेन जगह पे, पीछे बोट्स खड़ी हुई हैं, यहाँ पे हम करेंगे बोटिंग। ये तैरना नहीं आता। अरे सर जी कैसी बात, तो बड़ा डरावना है। अरे बाप, मैंने इनको बोला भैया तैरना नहीं आता, इन्होंने कहा तो फिर ऐसा है लाइफ जैकेट ले लो, तो इससे मैं डरूँ या क्या करूँ। तो जी ऐसा है, बोटिंग कर रहे हैं, और मज़ा इस बात का है कि अकेले ही हैं पूरी लेक में, शायद अभी तक तो यही दिखा, ऐसे लग रहा है हमने खरीद लिए पूरी लेक। हाँ जी, तो देखें बात ऐसी है कि पीछे जो दिख रहा है ना, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, 160 रुपये का छोटा राउंड, 210 का बड़ा राउंड, और एक बोट में 4 लोग आ सकते हैं। तो 160 रुपये पर पर्सन नहीं है, 160 रुपये पर बोट, एक बोट में 4 जने, 4 एडल्ट्स, बच्चे हो तो वो एक्स्ट्रा आ सकते हैं, बाकी नहीं। तो इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा बता दूं, क्योंकि नैनीताल आए बोटिंग नहीं करी, फिर समझ रहे हैं। तो ऐसे अभी हम खाना पीना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ठंड ज़्यादा हो रही है। मोमोज खाए थे, यहाँ मत खाना मोमोज, बहुत टट्टी मोमोज मिलते हैं। और जिस रोड पे हम चल रहे हैं, एक रोड क्लोज होती है, कोई बाइक गाड़ी वाड़ी मत लेके आना, नहीं तो चलान कटता है यहाँ। अभी मालूम पड़ा मुझे ऐसा, तो मैं बता रहा हूँ। तो हम जा रहे हैं खाना खाने। हेलो जी, तो खाना पीना हो गया था हमारा, हम घर आ गए वापसी। ये रूम आपको चेंज लग रहा होगा, एक एक बात बताता हूँ मैं। तो ऐसा है, सबसे पहले जहाँ हमने खाना खाया था, अगर आप वहाँ जाते हैं, रेस्टोरेंट का नाम था दिल्ली दरबार, ठीक है जी, वहाँ की दाल मखनी मत खाइएगा, बाकी पनीर वनी सब फर्स्ट क्लास है। और दूसरा, ये रूम क्यों चेंज है, ये रूम धर्मशाला का नहीं है, ये हमारे भट जी जो हैं साथ में ना गोलू, उसके किसी जानकार का है। एक्चुअली धर्मशाला में अब चार्जिंग की बहुत दिक्कत थी, वहाँ पर चार्जिंग का सिर्फ एक सॉकेट था, वो भी नहीं लग रहा था ढंग से, और बहुत सारे वहाँ कंपल्शन थी। और 100 रुपये में आप क्या एक्सपेक्ट कर, स्पेशली जो लोग बजट ट्रैवलिंग करना चाहते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। क्योंकि अगर आपको सिर्फ सोने से मतलब है कि आप भाई आए अपना सोए और फिर निकल गए, और ये धर्मशाला जो है, आप जैसे नैनीताल एंटर करोगे ना, आपको वहीं पे दिख जाएगी, नहीं तो आप किसी से पूछोगे सबको मालूम है धर्मशाला कहाँ है, तो वहाँ रुक सकते हो। और अभी हम जहाँ हैं ये अच्छी जगह है थोड़ी, क्योंकि किसी का घर है। तो कल का प्लान, फिर कल मिलेंगे आपसे, अभी तो थकान बहुत हो गई है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हम भी रखते हैं। कैसे करनी है तो बता। अबे तो पहले तू तो स्टार्ट कर, फिर मैं आऊंगा ना। हाय।